सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोम अकेडमी को और दबाइए इस घंटे के निशान को ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर नेक्स्ट क्रम में बढ़ते हुए। जैसे कि हमने पहला पेपर जो है पहला पोर्शन जीके का सोल्व कर चुके हैं हम, वो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हिंदी का सोल्यूशन लाए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से शब्द अलंकार है, तो वहां पर पूछा गया था निम्नलिखित में से शब्द अलंकार है तो वो है यमक अलंकार। यहाँ पर यमक अलंकार आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तालव्य ध्वनि है से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, यहां पर क होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो कौन सा स्त्रीलिंग है, तो वहां पर आपके ऑप्शन में से रचना स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, यहां पर आंसर होगा अचरज। नेक्स्ट देखते हैं यहां से, तो यहां पर है महोत्सव का संधि विच्छेद, महा प्लस उत्सव। कैमरे से थोड़ा जूम से हम देख सकते हैं, महा प्लस उत्सव आप मिला ले, बाद में मिला सकते हैं। मैंने घर जाना था में अशुद्ध शब्द है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, तो देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में समास होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, यहां पर होगा कर्म वाच्य। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं, गोदान के लेखक, गोदान किसकी रचना है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, कामायनी के लेखक हैं। अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद इसके लेखक हैं। और नेक्स्ट बीजक के लेखक, जैसा बहुत पॉपुलर है बीजक, तो कबीर। नेक्स्ट है शीत का विलोम क्या होगा, शीत यहां पर होगा उष्ण। कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ नहीं होता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें है किस कारक का चिन्ह है, देखिए ने यहां पर दिया हुआ है, ने किस कारक का चिन्ह है, यहां पर यह होगा कर्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों थोड़ा सा हर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नहीं दिखा सकते क्योंकि थोड़ी फुर्ती भी करनी होगी। नेक्स्ट जो पेपर है उसका भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आपको भी रीजनिंग का और मैथ का भी हम जो है सॉल्यूशन देंगे। तो इसी क्रम में जो है कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरीके से सीधा डंडा जो होता है। नेक्स्ट दूध का धुला होना यानी निर्दोष, ठीक है, उसमें आंसर होगा निर्दोष। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आंसर होगा शक्तिशाली आदमी अपना काम बना लेता है। नेक्स्ट वीर रस का स्थायी भाव होगा, तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दोहे के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं, दोहे के प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सर्वनाम है, चार ऑप्शन दिए हुए थे वहां पर, तो उसमें से आप सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण है लंबाई, प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना वो सॉरी सुनाना, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, देखिए इसमें आंसर होगा वायु अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग है परा, परा इसमें आंसर होगा परा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय है तो यहां पर होगा आवट। तो दोस्तों अभी जो है हम आपको हिंदी का जो सोल्यूशन दे चुके हैं, एक पैराग्राफ बचा है उसके आंसर हम नहीं दे पाए हैं क्योंकि देखिए पैराग्राफ के जो आंसर हैं वो पैराग्राफ में से ही दे सकते हैं और आयोग उनके क्या आंसर मानता है वो भी आयोग की ही बात है। तो दोस्तों आगे हम रीजनिंग का सोल्यूशन ला रहे हैं और मैथ का, तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।